आज पूरे देश की 3000 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और 1200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई हैं और मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। यहां सैकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज हो चुकी है, पेपरलेस कोर्ट्स, ई फाइलिंग, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था, ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचे तो दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे न्याय को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को हमें बनाए रखना है, लगातार अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करते चलना है। साथियों, बीते कई कार्यक्रमों में आप सबके बीच मैंने लगातार मीडिएशन की सदियों पुरानी हमारी व्यवस्था का जिक्र किया है। आज देश में कम खर्चीले और त्वरित निर्णयों के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म बहुत अहम रास्ता बन रहा है। वैकल्पिक डिस्प्यूट मैकेनिज्म की यह व्यवस्था देश में ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। कानूनों में बदलाव करके, नए प्रावधान जोड़कर सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। न्यायपालिका के सहयोग से ये व्यवस्थाएं और ज्यादा सशक्त होगी। साथियों, हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है। सीए जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रहित में स्वाभाविक न्याय क्या कहता है, यह हमारी अदालतों के निर्णयों से पूरी तरह से स्पष्ट होता रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका ने अनेकों बार ऐसे विषयों पर राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के संकल्प को सशक्त किया है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी जुडिशरी दशकों से इसकी वकालत करती आई है।
राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का यह स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे ले जाने में जो शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है वो है इंटीग्रेशन। ट्रांसपोर्ट के मोड्स का इंटीग्रेशन, डेटा का इंटीग्रेशन, हेल्थ सिस्टम का इंटीग्रेशन। हमारा विजन है कि देश के जो भी आईटी सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं उन सभी का इंटीग्रेशन हो। पुलिस, फॉरेंसिक्स, प्रोसेस सर्विस मैकेनिज्म और सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सभी एक साथ जुड़कर काम करें। आज राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के भारत में गरीब के सशक्तिकरण का ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में इसे लेकर कई ग्लोबल एजेंसीज और संस्थाओं ने भारत की भरपूर तारीफ की है। डीबीटी से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में भारत का काम एक ग्लोबल मॉडल बनकर उभरा है। अपने उसी अनुभव को हमें जस्टिस सिस्टम में भी इंप्लीमेंट करना है। इस दिशा में टेक्नोलॉजी और अपनी भाषा में लीगल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस, ये गरीब के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनेगा। सरकार इसके लिए दिशा नाम के इनोवेटिव सॉल्यूशन को भी बढ़ावा दे रही है। हमारे लॉ स्टूडेंट्स और अन्य लीगल एक्सपर्ट्स इस अभियान में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा देश में स्थानीय भाषाओं में लीगल डॉक्यूमेंट्स और जजमेंट्स लोगों को मिल सके इसके लिए भी काम होने हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक सॉफ्टवेयर बना है जिसे जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स 18 भाषाओं में ट्रांसलेट हो सकते हैं। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए हमारी जुडिशरी की भी सराहना करता हूं। साथियों, मुझे विश्वास है हमारी कोर्ट्स ईज ऑफ जस्टिस को इसी तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। हम जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी हो, ये बहुत जरूरी है। इसी आशा के साथ आप सभी को एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली की मैं हार्दिक बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।